के बाद स्वागत है आप सभी का। तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुए, जहां पर उन्होंने अपना अभिभाषण दिया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी क्रम में 13 सत्र 2023-24 में गन्ने की अवैध प्रजातियों के गत वर्ष के मूल्य को 350 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 370 रुपये प्रति कुंतल, सामान्य प्रजातियों के लिए मूल्य को 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये तथा कुंतल तथा अनुपयुक्त प्रजातियों के मूल्य को 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल दिया गया है। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के निवेशकों द्वारा अब तक 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्राप्त हुए। यह निवेश प्रस्ताव सभी सेक्टर तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के लिए प्राप्त हुए। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सम्मेलन में माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशन आदि को विश्व के सामने शोकेस करने के लिए सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश अंतर्गत ट्रेड शो का प्रथम संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया हुआ है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार द्वारा कई नई योजनाएं संचालित की गई हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऐसी योजनाएं हैं जिन्होंने विभिन्न जनपदों के परंपरागत उत्पादों तथा परंपरागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान की। इस योजनाओं को आज संपूर्ण भारतवर्ष में पहचान मिल रही है। जनपद झांसी में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के इसके पूर्व वर्ष 1970 में एक नए शहर मॉडल के गठन का निर्णय लिया गया था। जनपद अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप की आधारशिला रखी गई है। मेरी सरकार ने राज्य में अपराधों व भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, निरंतर विद्युत आपूर्ति व लालसाशाही पर नियंत्रण से 2017 से पूर्व राज्य की दयनीय स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया है। जिससे सभी जिलों में निवेश का समग्र प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सहित प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे संचालित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे एवं गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 30 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए। नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इससे उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा। सेमी कंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमी कंडक्टर नीति 2024 प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 नोड्स में से 3 नोड्स का आवंटन पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें ब्रह्मोस, भारत डायनामिक्स, अडानी डिफेंस, पीटीसी इंडस्ट्रीज, एमकेयू, गोदरेज, एवीएनर जैसे प्रतिष्ठित निवेशक पर्याप्त रूप में लेकर कार्य कर रहे हैं। बोलिए बोलिए और बोलिए भाई, आज जीरो हो जाओ। पीएम मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एवं में डाटा सेक्टर नीति 2021 अंतर्गत 3 निजी डाटा सेंटर पार्क विकसित करने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया। निवेशकों को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 बनाई गई है। प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों न्यूनतम 2 जनसेवा। बजट सत्र से पूर्व मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, तो चलिए आपको सुनाते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के भाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्य योजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विलास विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का ये साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस अवसर पर अपने विपक्षी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूंगा कि जो माननीय सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दलीय सीमाओं से अलग हटकर के प्रदेश के विकास के लिए विधान सभा या विधान परिषद को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और उस दिशा से यह सत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा होगी, उसका जवाब भी सरकार की तरफ से जाएगा। बजट पर चर्चा होगी, मान्य सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अनुदान मांगों पर रखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए या प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्ष रखने का भी अवसर मान्य सदस्यों को प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के बारे में बना है, देश में, दुनिया में, उस सकारात्मक माहौल का लाभ विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधानमंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे। हमने कल भी दलीय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार हर विधानमंडल की कार्रवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्ष रखने और मान्य सदस्यों को अवगत कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की वर्ष 2024 के सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को हृदय से स्वागत करता हूं। उन्हें उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सब का आह्वान करता हूं। लोकतंत्र के उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप सत्र की कार्रवाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में उनके सकारात्मक योगदान की भी अपेक्षा रखता हूं। और उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के उपरांत, एक लंबे अंतराल के उपरांत भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने और प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों का अयोध्या धाम में आगमन और उनके सकुशल दर्शन करने के सकारात्मक माहौल का लाभ भी हमारे सभी माननीय सदस्यगण उठाएंगे। इस पूरा विश्वास के साथ मैं विधानमंडल के नए सत्र शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का भी हृदय से अभिवादन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तो बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से शक्ति वंदन अभियान से जुड़े मातृशक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और ये कार्यशाला जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित होगी। एक अभियान है और इसकी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अयोध्या का यह कार्यक्रम पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें वो कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं, हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन रही है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। और पिछले 9-10 वर्षों के अंदर देश के अंदर योजनाओं का लाभ जिस रूप में प्राप्त हुआ, कोई कल्पना करता था कि गरीबों के लिए आवास मिलेंगे? 4 करोड़ गरीबों के आवास बने देश के अंदर बिना भेदभाव के। और उनमें फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।